अलेव व्यूअर्स में हूँ सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं करने जा रहा हूँ एस के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको बताऊंगा इस एस का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने बजे होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एस बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बिरयानी विद लाल चटनी। तो भाई एस का पूरा ऑपरेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मिलते हैं एज के पूरे खानदान से। अब सबसे पहले मैं आपको एज के बारे में बता देता हूं। एज की हिंदी होती है की तरह, वैसे इसका एक और भैया है चाचा ताऊ का, उसका नाम है लाइक, और लाइक का मतलब भी यही होता है की तरह, लेकिन दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग है। एज का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की क्वालिटी मिलाते हैं और लाइक का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी रिश्ते को मिलाते हैं। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, सुनो। सनी लियोन ने मुझसे कहा तुम मेरे भाई की तरह हो, डोंट वरी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, ये सिर्फ एक सेंटेंस है। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, पहला है यू आर एज माय ब्रदर और दूसरा है यू आर लाइक माय ब्रदर। दोनों का मतलब यही है कि तुम मेरे भाई की तरह हो, लेकिन दोनों की कंडीशंस एकदम अलग अलग है। ऊपर वाले में सिर्फ क्वालिटी बता रही है, मतलब मुझे भाई नहीं बना रही, कह रही है तुम मेरे भाई की तरह हो, कद में, हाइट में, खाने में, और तुम्हारी हैंट पैंट जो लटकती है वो मेरे भाई की तरह है, तो तुम मेरे भाई की तरह हो only in qualities। और अगर वो कहती you are like my brother तो यहां पर वो कह रही है नहीं नहीं मैं तुम्हें बुरी नजरों से नहीं देखती, you are like my brother तुम तो मेरे भाई की तरह हो। तो भैया ये ऊपर वाला ही बोलेगी वैसे मुझे जब भी बोलेगी, तो आगे से ध्यान रखेंगे as और like में difference। अब भाई as का दूसरा खानदान वाला है as और as की दो हिंदियां होती हैं, पहली है के तौर पर और दूसरी है के नाते। जैसे मुझे कहना है मैं अध्यापक के तौर पर काम कर रहा हूं तो यहां पर लिखेंगे आई एम working as a teacher, और अगर मैं कहूं भाई होने के नाते मैं जाऊंगा as a brother, I will go, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं I will go as a brother। तो याद रखेंगे अगर as के बाद a लगा हुआ आ जाए तो उसका मतलब होगा के तौर पर या फिर के नाते। और भाई नेक्स्ट है as soon as, और as soon as का हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। अब जैसे कोई भी सेंटेंस होगा जहां पर जैसे ही लिखा हुआ आ रहा होगा तो इंग्लिश में आप लिखेंगे as soon as, या फिर इंग्लिश में as soon as एक साथ लिखा हुआ है, तीनों लाइन में लिखे हुए हैं तो वहीं समझ जाएंगे इसकी हिंदी है जैसे ही। अब जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूं अपनी लाइफ का। बचपन में मतलब स्कूल टाइम में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था, मेरे मम्मी पापा मनाली गए हुए थे, अचानक से मेरी मम्मी आ गई और जैसे ही मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, आगे इंटरेस्ट मतलब सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही मम्मी ने दरवाजा खोला, जैसे ही को लिख देंगे as soon as, और मम्मी ने दरवाजा खोला मदर ओपनड द डोर, ये तो अलग टेंस हो गया हमारा। तो जब भी जैसे ही आएगा लिखेंगे as soon as। और अगर हम इसी में पॉसिबल जोड़ दें यानी as soon as possible, तो इसकी हिंदी होगी जितनी जल्दी हो सके। कुछ लोग इसे शॉर्ट में भी बोलते हैं और सैप, कुछ नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो। तो जब भी मुझे किसी चीज को लेकर कहना है जितनी जल्दी हो सके तो मैं कहूंगा as soon as possible या फिर ASAP। अब जैसे मान लो सलमान खान ने दोबारा से फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी तो मैं फौरन कहूंगा जितनी जल्दी हो सके पुलिस बुलाओ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे जितनी जल्दी हो सके as soon as possible या फिर ASAP, पुलिस बुलाओ, call the police। तो इस तरह से as soon as possible का use करते हैं। भाई next है as much as और as many as, दोनों की हिंदी एक ही होती है जितना जितनी जितने, लेकिन condition दोनों की अलग अलग है। as much as लगेगा uncountable के लिए यानी जिन चीजों को गिन नहीं सकते, और as many as लगेगा countable के लिए यानी जिन चीजों को गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई जितना पानी तुम पी रहे हो ना इतने में तो टॉयलेट की 1000 बार मुंह दिखाई हो जाएगी, तो सेंटेंस है जितना पानी तुम पी रहे हो। तो जितना पानी, पानी तो अनकाउंटेबल होता है, तो जितना पानी की इंग्लिश होगी एज मच एज वाटर, तुम पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग। और अगर मैं कहना चाहूं कि जितने मोबाइल तुमने खरीदे ना इतने तो टेक्निकल गुरुजी ने भी नहीं खरीदे होंगे, तो यहां पे है जितने मोबाइल तुमने खरीदे। अब मोबाइल काउंटेबल है, उन्हें तो गिन सकते हैं, उन्हें कौन सा नापा तोला जाता है, तो यहां पे कहेंगे जितने मोबाइल एज मेनी एज मोबाइल तुमने खरीदे, यू बॉट या यू परचेज, ये तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट सा। तो इस तरीके से एज मच एज और एज मेनी एज का प्रयोग करते हैं। अब भाई एज का अगला यूज देखते हैं और वो
है as, for as, मतलब जहां पर भी as, for as एक साथ दिखाई देंगे ना तीनों, तो वहां पर इनकी हिंदी होगी जहां तक। अब इस जहां तक के ऊपर एग्जांपल थोड़ी देर में लेंगे यार, थोड़ी सी समाज की बात कर लेते हैं। दिमाग खराब हुआ पड़ा है, अजीब अजीब हरकत हो रही है समाज में, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार। आजकल बूढ़ी बूढ़ी लुगाइयों को 20-20 साल के लौंडे पसंद आ रहे हैं। अभी मेरे ही मोहल्ले में पीछे गली में एक 50 साल की औरत 19-20 साल के लौंडे को लेके भाग गई। हद हो रही है यार, ये हो क्या रहा है। चलो खैर छोड़ो, आ जाते हैं वापस जहां तक पे। तो मैडम बेहतरीन सा कोई सेंटेंस लगाओ, दिल खुश हो जाए जहां तक के ऊपर। बहुत बढ़िया, तो सेंटेंस है, जहां तक मैं जानता हूं मलाइका अर्जुन कपूर से। चलो भाई छोड़ो, इसे आधा ही बना लेते हैं। तो सेंटेंस है, जहां तक मैं जानता हूं, तो जहां तक की इंग्लिश होगी एज, फॉर एज, और मैं जानता हूं आई नो। तो जब भी आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे या कभी आप बोलो जहां तक, तो आप इंग्लिश में उसकी जगह बोलोगे एज, फॉर एज। भाई नेक्स्ट है एज वेल एज, और एज वेल एज का हिंदी में मतलब होता है तथा। अब तथा आपने रामायण और महाभारत में सुना होगा, बट डोंट वरी, इंग्लिश में इसको एज वेल एज बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मैं हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो सेंटेंस होगा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तथा हिंदी लास्ट में लगता ही हमेशा, एज वेल एज हिंदी। आप चाहें तो एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एज वेल एज भी सीख लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। और भाई अब लास्ट में एज का बड़ा वाला यूज देख लो, और इस बड़े वाले यूज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है सबसे पहले एज, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद फिर से एज, और उसके बाद नाम। मतलब ये फॉर्मूला काम आएगा आपको किसी की क्वालिटी बताने के लिए। और फॉर्मूला है सबसे पहले एज लिखना है, जो भी क्वालिटी है वो बीच में लिखनी है, फिर दोबारा से एज लिखना है, और फिर उस बंदे का नाम लिखना है जिसकी क्वालिटी आप मिला रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे लिखना है हाथी की तरह मोटा, तो यहां पर देखिए इंग्लिश में कैसे बनेगा। फॉर्मूले में बनाएंगे सबसे पहले एज, फिर लिखेंगे क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या, हाथी क्वालिटी है, मोटा क्वालिटी है, मोटापा क्वालिटी होती है, तो मोटे को कहते हैं फैट, एज फैट, और फिर से लिखेंगे एज, और उसके बाद नाम, नाम है एलिफेंट, तो हो गया हमारा एज फैट एज एलिफेंट, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं अदनान सामी हाथी की तरह मोटा था, तो इसे लिखेंगे अदनान सामी वाज एज फैट एज एलिफेंट। और अगर मुझे कहना है कोयले की तरह काला, तो फिर से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और फॉर्मूला है सबसे पहले लिखो एज, लिख दिया जी एज, उसके बाद क्वालिटी, अब कोयला क्वालिटी है या कालापन क्वालिटी है, काला क्वालिटी है, काले रंग का है ये क्वालिटी है, तो लिखेंगे ब्लैक एज ब्लैक। अब दोबारा से एज लगाकर इसे बंद कर देंगे एज ब्लैक एज, अब उसके बाद नाम लिखेंगे जिसकी क्वालिटी से मिलाया जा रहा है, तो मिलाया जा रहा है कोयले से, इंग्लिश में होता है कोल, तो कोयले की तरह काला एज ब्लैक एज कोल, तैयार हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, बिपाशा कोयले की तरह काली है, कलवा की बहन पीछे गली में रहती है, उस बिपाशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां पे सेंटेंस है बिपाशा कोयले की तरह काली है, सेंटेंस इंग्लिश में होगा बिपाशा इज एज ब्लैक एज कोल। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप हजारों चीजों का प्रयोग कर सकते हो, पानी की तरह साफ, दूध की तरह सफेद, पहाड़ की तरह ऊंचा, सनी की तरह सह, खैर चलो छोड़ो जो भी है। तो भाई ये था एस का पूरा ऑपरेशन, कर दी हमने उसकी चीर फाड़। आई होप आपको एस का पूरा इस्तेमाल अब समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई शंका, लघु शंका या एक नंबर दो नंबर है ना, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कर दो, किसने रोका है वहां पर मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ यू वर्क भी वहां पर छोड़ा है, मतलब उसमें जाकर आपको वही एज, एज मैनी एज, एज फॉर एज का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वहां जाकर ट्रांसलेट करना। इज्जत से अपना होमवर्क, यू वर्क जो भी दे रखा है करना, मैं लाइक कर उसको चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता भी दूंगा, कमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना। अब इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने गली मोहल्ले की सारी बिपाशा और नेहा और बसंती सबसे शेयर कर दो।